बांका जिला के शंभुगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी मोहनपुर गांव में अवैध हथियार लहराने के मामले में पुलिस ने एक बालू माफिया को मास्केट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि हथियार के साथ वीडियो वायरल होने की सूचना पर पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें अवर निरीक्षक रमाकांत सिंह, प्रशिक्षु दरोगा प्रशांत कुमार, चंचल कुमार को शामिल किया गया। टीम ने गढ़ी मोहन गांव के भरतभूषण सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान भरतभूषण ने हथियार लहराने की बात स्वीकार की, जिसकी निशानदेही पर उसके घर के अंदर जमीन में छिपा कर रखा गया मास्केट बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि आरोपी को आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया गया है। वीडियो क्लिप मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें एक आदमी को, एक लड़का को मास्केट लेके घूमते देखा गया। इसकी सूचना पर तुरंत संज्ञान लिया गया, इसकी सत्यापन कराई गई। सत्यापन में ये पाया गया कि ये गढ़ी मोहनपुर जो शंभुगंज थाना क्षेत्र का है, वहीं का इलाका है और इसका नाम भरत भूषण कुमार सिंह है। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। इतना सत्यापन होने के बबाद तुरंत सर्किल इंस्पेक्टर बांका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, उसकी छापामारी कराई गई। छापामारी में ये लड़का पकड़ा गया, भरत भूषण सिंह। उसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके घर के अंदर जमीन के गाड़ कर छिपा कर रखा हुआ ये मस्केट बरामद किया गया है। ये लड़का, इसका आचरण पूर्व से संदिग्ध पाया गया सत्यापन के क्रम में। इसका एक ट्रैक्टर है जो कि मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में जब्त है। गांव में भी इसकी गतिविधि संदिग्ध रही है। इसको गिरफ्तार करते हुए इसकी इस आर्म्स के संबंध में शंभुगंज थाना में कांड दर्ज किया गया है और इसे हिरासत में भेजा जा रहा है। बांका जिला के पंजवारा थाना की पुलिस ने शराब तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की देर रात मारा टीकर गोविंदपुर पथ में विक्रमपुर पुल पर रात्रि के समय उत्तराखंड से तस्करी का अवैध शराब बांका लेकर जा रहे तीन तस्करों को भारी मात्रा में बंगाल निर्मित देसी शराब के साथ धर दबोचा। पंजवारा थाना के एएसआई पवन कुमार ने संध्या गश्ती के दौरान जब विक्रमपुर पुल पर एक कार को रोका तो उसकी जांच की तो उसमें 13 कार्टून बंगाल निर्मित कैप्टन ब्रांड का देसी शराब बरामद कर लिया गया। पुलिस ने कार में मौजूद तीन तस्करों को धर दबोचा और उन्हें गिरफ्तार कर शनिवार को बांका जेल भेज दिया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के नयाचक पवई गांव के समीप आपसी विवाद को लेकर मारपीट में दो युवक जख्मी हो गए। जख्मी शाहकुंड थाना क्षेत्र के बगचप्पर गांव निवासी कृष्ण मोहन सिंह एवं रसुल्ला गांव निवासी जियाउल हसन का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा किया गया। मामले को लेकर जख्मी जियाउल हसन ने बताया कि यह अपने मित्र के साथ बाइक पर सवार होकर अमरपुर आ रहा था, तभी नयाचक गांव के समीप कुछ युवक बीच सड़क पर बाइक लगाकर वाहनों से कहासुनी कर रहे थे। जब मैंने उक्त लोगों को बाइक हटाने के लिए कहा तो प्रिंस यादव उर्फ मिथुन यादव, मंजा यादव, गौरव सिंह समेत अन्य लोगों ने मारपीट करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मी ने मिथुन यादव समेत 9 लोगों को नामजद करते हुए थाने में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा किए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। रसुला से हम और कृष्ण मोहन सिंह, उसी बीच में मिडियानाथ में देखे कुछ दबंगी लड़के लोग गाड़ी काफी छेक के रखे हुए थे। हम लोग उतर के आगे बढ़े तो उसमें देखे के सारे 17 लड़का 6 मोटरसाइकिल पे, 3-3 लड़का, सबके पास हथियार, जिसमें कुछ लोगों को हम चिन्हते हैं जिसका नाम बोलना चाहते हैं, मिथुन यादव, छोटू बनहरा, तस्लीम अमरपुर, धीरू यादव और सन्नी कुमार यहाँ का है बाबा जानकीपुर का, और मिथुन यादव मुंगेर ग्रीन्स। सब वो लोग रंगबाजी तहसील रहा था कलेक्टर वाले से, काफी भीड़ था, जाम लगा हुआ था। हम लोग उतर के आगे गए, क्या बात है, आप लोग बाइक से थे? जी, बाइक से। जब उसको बगावत किए तो वो लोग मारना स्टार्ट किया, सबके पास हथियार से लैस था। ये 10 बजे दिन की बात है आज। हाँ, और कहाँ से आ रहे थे? बोले हम लोग आ रहे थे रसुल्ला से। क्या नाम हुआ आपका? जियाउल हसन। घर? रसुल्ला। थाना? शाहकुंड। शाहकुंड जी, वो भी। हाँ, क्या नाम है उसका? कृष्ण मोहन सिंह, घर बगचप्पर। बांका जिला के पंजवारा थाना क्षेत्र के बसौनी मोड़ के पास शुक्रवार की देर शाम शराब तस्कर को धर दबोचा गया, जिसके पास से 375 ml की विदेशी शराब पाई गई और साथ में एक अपाचे बाइक के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक शराब तस्कर झारखंड से अपाचे बाइक पर सवार होकर शराब लेकर आ रहा था,
बसौनी मोड़ के पास पंजवाड़ा थानाध्यक्ष मुरलीधर शाह और प्रशिक्षु दरोगा पवन कुमार ने दलबल के साथ धर दबोचा शराब तस्कर मनीष कुमार शाह, झारखंड के गोड्डा जिला के सिवड्डा लालपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। साथ ही वहीं दूसरी तरफ पंजवाड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंजवाड़ा थाना क्षेत्र के अमर बढ़ेद गाँव से 25 लीटर देसी शराब बरामद किया। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर शराब लेकर आ रहा था। शराब तस्कर मुकेश यादव थाना क्षेत्र के चाके गांव का निवासी है। दोनों शराब तस्करों को बाइक सहित थाना लाया गया।